बाद भी प्रज्ञा ठाकुर पहुंचे स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। पुरानी जेल परिसर में है स्ट्रांग रूम। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार है साध्वी प्रज्ञा। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का साध्वी ने लिया जायजा। स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर बाहर आई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। गला खराब होने के कारण नहीं दिया बयान। इशारों में बताया कि ईवीएम की सुरक्षा से वो संतुष्ट नहीं है। लिखित में अपनी बात कहेंगी साध्वी। उनकी जगह बोले पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता। मशीन पर संदेह नहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के कारण करनी पड़ रही है निगरानी। ब्यूरो रिपोर्ट HMTV लाइव। और जब सरकार ये कांग्रेस की सरकार और उम्मीदवार श्रीमान दिग्गी राजा हैं, जो हमेशा ये कहते रहे कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं और उनकी किसी भी प्रकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए सहज ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी और हम लोग यहाँ स्ट्रांग रूम आए हैं, सारी व्यवस्था को देखा है। हमारे कार्यकर्ता भी निरंतर यहाँ 24 घंटे लगातार यहाँ पर सहयोग के लिए हैं।